क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए रसायन विज्ञान पर आधारित नाटिका विज्ञान की अदालत। अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। आरोपी नंबर 11 सोडियम हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अपनी रुपहली आभा से मासूम सा लगने वाला यह शख्स उपद्री किस्म का तत्व सोडियम है। यह हमारे आसपास के माहौल में छदम आवरण बनाकर रहता है, या यूं कहें कि बहरूपिया बनकर रहता है। यह बहुत विस्फोटक है और हवा या पानी के संपर्क में आते ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये शक्तिशाली अपचायक भी है। ये पानी के साथ विस्फोट करता है, हाइड्रोजन को अपराध करने के लिए उकसाता है, उसे मुक्त करता है। इस पर हवा के साथ मिलकर आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने और षड्यंत्र करने का भी आरोप है। ये हवा में खुद जल जाता है, पर नुकसान पहुंचाने के लिए पीली आग की लपटें पैदा करता है। जज साहब, लोक शांति भंग करने, दंगा भड़काकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में IPC की धारा 159 और 160 के अंतर्गत आरोपी सोडियम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून व्यवस्था को ना मानने और धारा 144 का उल्लंघन करने के कारण इसको नजरबंद किया जाना चाहिए। जज साहब, नजरबंद किया जाना चाहिए। आरोपी सोडियम, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं जज साहब, वो मेरे वकील। जज साहब, मैं H2O, सच्चाई आपके सामने लाने के लिए सोडियम की पैरवी मैं करूंगा। ठीक है, आपको जिरह का मौका दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसीड। आरोपी सोडियम, क्या यह सच नहीं कि तुम्हारी परमाणु संख्या 11 है और तुम एक इलेक्ट्रॉन खोकर आसानी से अपराध करते हो? हाँ, ये सच है। नहीं जज साहब, ये सच नहीं है। क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला अदालत करेगी। अगर ये सब झूठ है तो FIR में दर्ज तुम्हारा इकबालिया बयान भी झूठा होगा, जिसमें तुमने कहा था तुम्हारे यौगिक खुद को छिपाने के लिए आसानी से जल में घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। नहीं जज साहब, ये सच है। सच? मतलब तुम मानते हो तुम्हारे यौगिक भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल की खूबियों को जानबूझकर अपराध की शक्ल दे रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू जज साहब। सोडियम पर यह आरोप है कि स्कूल कॉलेज की प्रयोगशाला में कई छात्र छात्राओं को इसने नुकसान पहुंचाया है। फूड लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रिजर्व करने या स्थिर रखने के लिए यह एक पेशेवर अपराधी के तौर पर काम करता है, जिससे इंसानी शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। इन समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के लिए यह अपने अकार्बनिक रूप का इस्तेमाल करता है। जज साहब, मेरे क्लाइंट पर लगे आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। सोडियम को पेशेवर अपराधी कहना कहां का इंसाफ है? जनाब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सोडियम पर लगे इल्जामात को प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई सबूत या गवाह है? हाँ जज साहब, सोडियम एक गैर जिम्मेदार और पेशेवर अपराधी है। मैं सरकारी गवाह के तौर पर मिस आवर सारणी को अदालत में पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। मिस आवर सारणी, अदालत में हाजिर हो। मिस आवर सारणी, रसायन विज्ञान के ऊपर हाथ रख के कसम खाइए, जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। जज साहब, मैं केमिस्ट्री की कसम खाकर कहती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी। क्या आप कटघरे में खड़े आरोपी को जानती हैं? हाँ जज साहब, ये सोडियम है। ये मेरे मोहल्ले में रहने वाले सभी 118 पड़ोसी तत्वों के साथ ही रहता है। अदालत में पेश सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है आपकी कॉलोनी में
18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। एस ब्लॉक, जिसे लघु आवर्त भी कहा जाता है, उसमें आरोपी सोडियम का भी मकान है। इसके अलावा आप और क्या जानती हैं मिस आवर्त सारणी? जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। यह एक बहुत ही उपद्रवी किस्म का तत्व है। मैंने हमेशा इन्हें संक्रमणकारी गतिविधियों में सक्रिय देखा है। मुझे लगता है ये सूदखोरी का धंधा भी करते हैं। पहले दूसरों को उधार देते हैं और फिर उनसे नाजायज वसूली करते हैं। ये सबको परेशान करने के लिए संक्रमणकारी गतिविधियां चलाते हैं, ये आप कैसे कह सकती हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस आवर्त सारणी, आप अपनी बात खत्म कीजिए। जज साहब, ये जिस आवर्त में रहते हैं वहाँ सभी भारी और संक्रमण धातुएं रहती हैं। ये उनके बीच छदम आवरण बनाकर रहते हैं। यह चांदी जैसे सफेद और रुपेली आभा बिखेरते हुए सबको अपने झांसे में फंसा लेते हैं। यह कठोर होते हुए भी मुलायम होने का ढोंग करते हैं, मुलायम होने का। नहीं जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ जज साहब। ये ढोंग अदालत में नहीं चलेगा सोडियम। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम कठोर होते हुए भी चाकू से आसानी से कट जाते हो। ये भी सच है कि तुम भारी होकर भी पानी में तैरकर लोगों को धोखा देते हो। बोलो, ये सच है कि नहीं? ये सच है, मगर मगर कुछ नहीं जज साहब। आरोपी का इकवालिया बयान ये साबित करता है कि मिस पीरियोडिक टेबल यानी मिस आवर्त सारणी की बातें सच हैं। विघटनकारी गतिविधियों को संचालित करने और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में सोडियम की निगरानी होनी चाहिए। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि सोडियम और उसके यौगिकों की पहचान करने के लिए जगह जगह स्पेक्ट्रोमीटर और आयन विनिमय स्तंभ लगाए जाएं। साथ ही इतने गंभीर आरोपी को दंगा भड़काने और लोक शांति भंग करने के आरोप में इंडियन पैनल कोड की धारा 159 और 160 के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए। मिस्टर एस्टुओ, आपको मिस आवर्त सारणी से कुछ पूछना है? जी जज साहब। मिस आवर्त सारणी, ऐसा लगता है कि आप सोडियम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। ऑर्डर ऑर्डर। क्या मतलब क्या है आपका? नहीं, मेरा मतलब आप सोडियम के अलावा दूसरे 117 तत्वों में भी दिलचस्पी रखती हैं कि नहीं? हाँ, नहीं। चलिए छोड़िए, जब आप सोडियम के बारे में इतना कुछ जानती हैं तो ये भी जानती होंगी कि सोडियम का एक स्थिर समस्थानिक और 4 रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है और प्रकाश वैद्युतीय गुण रखता है। यह बहुत अच्छा अपचायक और ऑक्सीकारक भी है। हाँ, मैं जानती हूँ। तो फिर ये तथ्य अदालत से छिपाकर आप क्या सिद्ध करना चाहती हैं? जज साहब, इन बातों का केस से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इन बातों का केस से लेना देना है जज साहब। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस आवर्त सारणी, शायद आप भूल गई कि अभी आपने कहा था कि एस ब्लॉक की भारी और संक्रमण धातुओं के साथ ही सोडियम का मकान है, वो वहीं रहता है। हाँ, कहा था। जज साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदय ने सरकारी रिकॉर्ड में इस ब्लॉक की क्षार धातुओं के बारे में बताया है। आप क्या कहना चाहते हैं, सरकारी दस्तावेज झूठे हैं? नहीं जज साहब, वो सभी दस्तावेज सच हैं, लेकिन मिस आवर्त सारणी के बयान पक्षपाती हैं, एकतरफा हैं। मेरे काबिल दोस्त H2O सरकारी गवाह के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं जज साहब। मिस आवर्त सारणी, जब क्षार धातुएं जिसमें लिथियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम शामिल हैं, तो आप अकेले सोडियम को कैसे गलत ठहरा सकती हैं? आप जानबूझकर सोडियम को बदनाम करना चाहती हैं। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। इनके पास कोई पुख्ता दलील भी नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं अपने क्लाइंट के कार्य व्यवहार को सही साबित करने के लिए श्रीमती ऑक्सीजन को अदालत में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है मिस आवर्त सारणी, अब आप जा सकती हैं। श्रीमती ऑक्सीजन, अदालत में हाजिर हो। श्रीमती ऑक्सीजन, रसायन विज्ञान पे हाथ रखे कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं रसायन विज्ञान की कसम खा के कहती हूँ
मैं जो भी कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। श्रीमती ऑक्सीजन, सोडियम पर आरोप है कि वो लोगों को झांसा देकर फंसाता है, क्या आप सोडियम से परेशान हैं? नहीं जज साहब, ये तो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं और काफी मददगार हैं। मेरी कई कार्बनिक क्रियाओं में मेरे सहभागी हैं। यह मेरे साथ मिलकर ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों तरह के काम करने में मददगार हैं। दवाइयां आदि बनाने में भी सोडियम सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब सोडियम आपको परेशान नहीं करता? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह तो बंद पनडुब्बियों में वैज्ञानिकों के लिए मुझे मुक्त करते हैं, जिससे वैज्ञानिक सांस ले सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदय, ऑक्सीजन से सवाल पूछना चाहे तो? मुझे कोई सवाल नहीं पूछना। That's all. श्रीमती ऑक्सीजन, आप जा सकती हैं। ठीक है जज साहब। मेरे क्लाइंट पर दंगा भड़काने और सूदखोरी जैसे आरोप हैं। इसके लिए भी मैं मोहतरमा क्लोरीन को अदालत में गवाही के लिए बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मोहतरमा क्लोरीन अदालत में हाजिर हो। मोहतरमा क्लोरीन, आप रसायन विज्ञान पे हाथ रखे गई है, आप जो भी कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं रसायन विज्ञान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जो भी कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैडम क्लोरीन, क्या आप सोडियम से परेशान हैं? क्या आपको सोडियम ब्लैकमेल करता है? जज साहब, मेरा और सोडियम का रिश्ता बहुत पुराना है। मेरे लिए सोडियम की अहमियत वही है जो दिए के लिए बाती की होती है, नाव के लिए पतवार की होती है। जज साहब, हम दोनों मिलकर साधारण नमक बनाते हैं जो सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। और रही बात ब्लैकमेल करने की, तो हाँ, आयोडीन भी ब्लैकमेल होती होगी जो हमारे साथ घेंगा रोग से लड़ती है। परमाणु रिएक्टर भी ब्लैकमेल होता होगा जो सोडियम के सहयोग से बिजली पैदा करता है। मोहतरमा क्लोरीन, आप पहली मत बुझाइए, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। जज साहब, सोडियम को छोड़ दो, वो हमारा ही नहीं पूरी मानव जाति का मददगार है। जज साहब, क्लोरीन अपने आप को संभालिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदय, आप सवाल पूछ सकते हैं। मुझे कोई सवाल नहीं पूछना। मोहतरमा क्लोरीन, अब आप जा सकती हैं। सोडियम, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हाँ जज साहब, ये सच है, मुझसे क्लोरीन का दर्द देखा नहीं जाता। जज साहब, हम दोनों मिलकर जीवन रक्षक घोल बनाते हैं। जज साहब, पानी में घुलकर लोगों की जान बचाते हैं। मेरे यौगिक छिपते नहीं हैं, बल्कि चिकित्सा उद्योगों और प्रयोगशालाओं में सहयोग प्रदान करते हैं। अगर मैं गुनहगार हूँ तो विज्ञान भी वरदान नहीं अभिशाप है, गुनहगार है। सभी प्रयोगशालाएं झूठी हैं और मेरे साथ सभी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी सजा मिलनी चाहिए। जज साहब, जज साहब, अदालत से इल्तिजा है कि सोडियम एक समाजसेवी तत्व है, उसे बाइज्जत बरी किया जाए और सभी आरोपों को खारिज किया जाए। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि सोडियम किसी भी आरोप से इत्तेफाक नहीं रखता, ना सोडियम किसी को झांसा देता है और ना ही ब्लैकमेल करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलीलें नाकाफी हैं, जिसमें सोडियम को पेशेवर अपराधी कहा गया है, जबकि सोडियम बेगुनाह है। अदालत सोडियम को बाइज्जत बरी करती है, साथ ही सभी स्टूडेंट से दरखास्त करती है कि सोडियम की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए उसे निर्वात या तेल में सुरक्षित रखें, ताकि मानव समाज के नित नए प्रयोगों में सोडियम का भरपूर सहयोग मिल सके। केस इज डिसमिस्ड। आप सुन रहे थे सोडियम के गुणधर्म पर आधारित नाटिका विज्ञान की अदालत। कलाकार थे LS चौहान, वरुण, स्नेहा, ज्योति, अक्रम, मयंक और जितेंद्र। रचना और आलेख मयंक शर्मा। ध्वनियांकन एवं ध्वनि संपादन सरोज महापात्रा। तकनीकी सहयोग अक्रम शेख और जितेंद्र। मार्गदर्शन डॉक्टर NC ओझा तथा प्रस्तुति क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल NCERT।